आज विज्ञान ये अच्छे से समझता है कि पूरा अस्तित्व ऊर्जा का स्पंदन है। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा अस्तित्व कभी एक स्पंदन बन जाता है तो कभी भौतिक रूप ले लेता है। तो संपूर्ण भौतिक अस्तित्व का स्रोत आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक गुंजन या स्पंदन है। यौगिक विज्ञान ने ये हजारों साल पहले पहचान लिया था और कहा था कि पूरा अस्तित्व ध्वनि या नाद है, क्योंकि जहां स्पंदन होगा वहां ध्वनि भी होगी। स्पंदन शब्द तो बस एक जानकारी है, पर इंसानी अनुभव में हर स्पंदन का अनुभव एक ध्वनि होती है। अस्तित्व में होने वाली सभी स्पंदन नॉट ऑल ऑफ इट इज फिलहाल इंसान के कानों से सुने नहीं जा सकते। सृष्टि की गूंज की सभी ध्वनियां इंसानी कानों द्वारा सुनी नहीं जा सकती। फ्रीक्वेंसी का बस एक छोटा सा हिस्सा उपलब्ध है, उन्हें सोनिक ध्वनियां कहते हैं। उनसे ऊपर वाली ध्वनियों को अल्ट्रासोनिक कहते हैं, जो नीचे हैं उन्हें सबसोनिक। अल्ट्रासोनिक और सबसोनिक ध्वनियां इंसानी कानों से नहीं सुनी जा सकती जब तक कि इंसान प्रयास नहीं करता फ्रीक्वेंसियों के छोटे हिस्से की सीमाओं से परे जाने के लिए जरूरी साधना नहीं करता। जो लोग साधना की एक अवस्था में होते हैं जिसे रितंबरा प्रज्ञा कहते हैं, वे शायद सोनिक ध्वनियों से परे की ध्वनियां सुन पाए, पर ज्यादातर मनुष्य फ्रीक्वेंसियों के इस छोटे हिस्से तक ही सीमित हैं। सृष्टि में पहले से मौजूद इन ध्वनियों की अच्छे से रची गई व्यवस्था को ही संगीत कहते हैं। विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत इंसानी सिस्टम की गहरी समझ पर आधारित है, क्योंकि हमारा हर अनुभव वाकई हमारे अंदर ही हो रहा है। प्रकाश और अंधकार हमारे अंदर घट रहा है, ध्वनि और मौन हमारे अंदर हो रहा है, खुशी और दुख हमारे भीतर हो रहा है, पीड़ा और आनंद हमारे भीतर हो रहा है। हर इंसानी अनुभव सिर्फ हमारे भीतर ही होता है, ये कभी भी हमसे बाहर नहीं घटता, क्योंकि हम खुद अपने अनुभव का आधार हैं। हमारा हर काम हमारी अपनी प्रकृति पर आधारित होता है। इसीलिए द म्यूजिक संगीत में शरीर के कुछ आयाम पहचाने गए जो हमारे द्वारा पैदा की जाने वाली या हम तक आने वाली ध्वनियों से जुड़े हैं। इंसानी सिस्टम को पांच कोशों या शरीर की पांच परतों के रूप में देखा जाता है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन पांचों में प्राणमय कोश सबसे महत्वपूर्ण है। प्राणमय कोश 72,000 नाड़ियों से बना है जो 114 तरीकों से मिलती हैं और फिर से विभाजित होती हैं, या कहें कि मानवीय प्रणाली में 114 मिलन बिंदु हैं। इनमें से दो भौतिक प्रकृति से बाहर हैं और 112 अंदर हैं। इन 112 में से चार काफी हद तक निष्क्रिय हैं। तो शरीर में 108 सक्रिय ऊर्जा केंद्र या चक्र हैं। इन 108 को इड़ा और पिंगला के रूप में दाएं और बाएं में बांटा गया है। दोनों ओर 54 बटे हुए हैं। इसी आधार पर हमने 54 ध्वनियों की संस्कृत वर्णमाला बनाई। ये 54 ध्वनियां पुरुष और स्त्री प्रकृतियों की दो अभिव्यक्तियां हैं। ये 108 ध्वनियां These 108 sounds, this 54 in two different... इनकी दो अलग अलग अभिव्यक्तियों का 108 के बराबर होना इसका अपना महत्व है, और संगीत का पूरा सिस्टम इन 108 से ही विकसित हुआ है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का बुनियादी काम इन 108 को छूना या शरीर में इन 108 चक्रों या बिंदुओं को जागृत करना है,
जिससे इंसानी चेतना विकसित होकर आसानी से अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। तो संगीत कभी भी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, ये इंसान को एक ब्रह्मांडीय सत्ता में विकसित करने का एक तरीका रहा है। तो इंसानी सिस्टम को जागृत करने का ये आयाम इन 108 ध्वनियों के प्रयोग से मानव तंत्र को उसकी परम संभावना तक विकसित करने के इस आयाम को नाद योग कहते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत नाद योग की इस बुनियादी प्रक्रिया का विकसित रूप है। अगर कोई जरूरी भागीदारी के साथ संगीत सुनता है या खुद को उस प्रक्रिया में शामिल कर लेता है जिसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, तो इसे सिर्फ शरीर में मधुरता नहीं आती, इससे सिर्फ भावनाओं में मधुरता नहीं आती, ये चीजें भी होती हैं। पर ये एक तरीका है जिससे जीवन के विवश करने वाले चक्रों से बाहर निकलकर और उनसे परे जाकर स्वतंत्रता और मुक्ति की एक परम प्रक्रिया प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रीय संगीत खुद में उतरने का एक बहुत ही परिष्कृत और अद्भुत तरीका है। यह सबसे अद्भुत तरीकों में से एक है जिससे व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे जाकर परम संभावना तक पहुंच सकता है। परम तक पहुंचने के कई तरीके हैं, पर यह एक अद्भुत और सुंदर तरीका है।